दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां पर उस्ताद जी से हम सीखेंगे वाइट वाला कलाकंद कैसे बनता है, बर्फ़ी वाला जो कलाकंद होता है उसको कैसे बनाते हैं, उसमें दाना कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे, दूध कैसा होना चाहिए। तो देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पूरी रेसिपी। दोस्तों यहाँ पर बना रहे हैं कलाकंद, वाइट कलाकंद, वो भी मलाई वाला। तो यहाँ पर दूध लिया है दोस्तों, प्योर दूध है, जो भैंस का दूध है। यहाँ पर 20 लीटर दूध है। इस दूध को कंटिन्यू यहाँ पर लगभग धीरे धीरे 5 मिनट से ये कंटिन्यू जो है चलाते आ रहे हैं, और इसको कंटिन्यू इसी तरीके से जो है खुरपी से इसको चलाना है। और ये जो यहाँ पर गैस की भट्टी है, और स्पेशली ये जो कढ़ाई है, ये कलाकंद वगैरह बर्फ़ी वगैरह बनाने के लिए ही यूज होती हैं। अब यहाँ पर दूध को कंटिन्यू उबालते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, और धीरे धीरे ये जो है उबाल आएगा और ऑटोमेटिकली जो है पकता जाएगा और गाढ़ापन इसके अंदर जो है आता जाएगा। उस्ताद इसको लगभग बनने में कितना समय लगेगा? उसको 30 मिनट लगता है। आधा घंटा। और इसकी मीडियम जो फ्लेम है वो इतनी रहेगी, फास्ट नहीं रहेगी, मीडियम फास्ट। आज में मीडियम ही गैस चलता है, मीडियम गैस ही चलता है। लगभग आधा घंटे का जो समय लगता है इसमें, और ये ऑटोमेटिकली जो है गाढ़ा हो जाता है, और इसमें दाना ऑटोमेटिकली आता है। इसमें वो साइट्रिक एसिड, नींबू का खट्टा पानी वगैरह डालने? कुछ नहीं डालना है। हम बहुत बार देखते हैं कि वो खट्टा पानी वगैरह डालना पड़ता है या फिर साइट्रिक एसिड डालना पड़ता है दानेदार कलाकंद बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर इनका कहना ये है कि अगर दूध की क्वालिटी, हाँ बताइए। नहीं, दूध अपना आप ही फटता है, इसमें दाना नहीं, मतलब दूध की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है ना? हाँ, दूध की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मतलब कि दूध अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी ना, प्योर दूध, तो दाना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर दूध अगर हल्का रहेगा, पतला रहेगा, तो उसमें दाना आता नहीं है, उसको फाड़ने के लिए साइट्रिक एसिड डालते हैं। बराबर ना? बराबर। तो अभी 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट और लगेगा इसको जो है अच्छी तरीके से एकदम बढ़िया दानेदार वाइट कलाकंद बनने में। यहाँ पर दोस्तों 20 लीटर दूध के लिए, मीठे के लिए यहाँ पर 2 किलो शक्कर जो है शुरुआत में ही ऐड कर दी थी दूध के अंदर, तो वो बताना थोड़ा मिस हो गया है, इसलिए अभी बता रहा हूँ कि 2 किलो शक्कर यहाँ पर जो है ऐड की गई है। 1 लीटर के लिए 100 ग्राम शक्कर ली गई है। आप यहाँ पर जो है शक्कर कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसा आपको मीठा रखना हो। यहाँ पर जैसे ही एक उबाल अच्छे से आ गया ना, तो स्टोव की फ्लेम को थोड़ा सा और कम कर दिया है। यहाँ पर दूध को अच्छे से गाढ़ा करने के लिए उसकी फ्लेम को धीरे धीरे थोड़ा कम करते जाएंगे, तो वो और अच्छी तरीके से जो है गाढ़ा होते जाएगा। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, अभी भी दूध को जो है धीमी से मीडियम आंच पर जो है पकाया जा रहा है, और इसको अभी भी गाढ़ा होने में थोड़ा समय लगेगा। और ये जो वाइट कलाकंद है, ये बहुत ही स्वाद में अच्छा लगता है, और इसकी जो विधि है आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है वाइट कलाकंद अच्छी तरीके से जो है पकने के लिए तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही बड़े इसमें दाना आ गया है, और अब धीरे धीरे जो ये और गाढ़ा होता जाएगा, और स्टोव की फ्लेम को हम धीमा करेंगे
और इसमें देख सकते हैं धीरे धीरे जो है उबाल आ रहा है और इसके अंदर बबल्स उठ रहे हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया शानदार तरीका है इसे बनाने का, और वाइट कलाकंद को जिस तरीका हम बताया है ऐसे ही बनाइए, बहुत ही परफेक्ट विधि जो है बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कलाकंद हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है अच्छा गाढ़ापन आ गया है इसमें, और देख सकते हैं आप कितना अच्छा दाना आया है। अब इसको जो है यहाँ पर किस्ती के अंदर और डब्बों के अंदर भरकर रखेंगे। इसको गर्मा गर्म ही यहाँ पर जो डब्बों के अंदर सेट कर देते हैं और रात भर ये पड़ा रहेगा, ऑटोमेटिकली जो ये सेट हो जाएगा, उसके बाद में इसकी जो है पीसेस में कटिंग होगी। उस्ताद जी ये जो माल अभी तैयार हुआ है टोटल कितने किलो बना होगा? 20 किलो माल। बहुत बढ़िया। तो ये डब्बे यहाँ पर भर दिए हैं और इनको वहाँ पर जो है वापस वज़न किया जाता है और बाद में इसको जो है मार्केट में सप्लाई किया जाता है। दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में उस्ताद जी के लिए एक धन्यवाद ज़रूर लिखना। ऐसी और नई रेसिपी आपके लिए हम लेकर आते रहे।